हेलो दोस्तों, मेरा नाम मानशु कुमार और आप देख रहे हैं भारत मोबिलिटी। और इंडिया में बहुत सारे रिक्शा मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत सारे, लेकिन गिने चुने कुछ 3-4-5 मैं कहूँगा ये रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिक्शा डीलर्स हैं जो कि टॉप के हैं। उसमें से एक ये उड़ान रिक्शा आ जाता है। उड़ान रिक्शा आपको पता है कि वन ऑफ द टॉप मैन्युफैक्चरर है और इनका सोनीपत में बहुत बड़ा प्लांट है जिसकी वीडियो हम अगले पार्ट में डालने वाले हैं। लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे उड़ान के ई रिक्शा का पूरा ब्यौरा देंगे, पूरी बात बताएंगे, पूरी डिटेलिंग देंगे कि उड़ान ई रिक्शा किस तरह अच्छा है, क्या क्या पार्ट्स हैं, उनकी कितनी साल वारंटी देगी, क्योंकि उड़ान दावा करता है, दावा क्या, जाहिर सी बात है, मैंने चीज़ें देखी हैं और मैंने बहुत सारी रिक्शा का रिव्यू किया है तो उड़ान का मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा लगा। इनके अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हर चीज़ पे सर्विसिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया जाता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम ई रिक्शा का रिव्यू करने वाले, तो वीडियो पूरी देख के ज़रूर जाना क्योंकि वीडियो में आपको वो चीज़ दिखेगी जो आपको नॉर्मल किसी में नहीं दिखाई देती है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये हमारे साथ सुशील कुमार सर हैं, ये यहाँ के उड़ान ई रिक्शा के सेल्स मैनेजर हैं। और सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। ये ई रिक्शा, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी, मुझे भी पता है और पूरे हमारे जन व्यूअर को भी पता है कि काफ़ी अच्छा ई रिक्शा है, तो क्या खास बात है उड़ान ई रिक्शे में जो इसको बाकी रिक्शे से खास बनाती है? सबसे पहले तो देखो, इंडिया के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर, जितने भी ब्रांड काम कर रहे हैं, हर कोई अपने प्रोडक्ट को बेस्ट लेके बनाता है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे किसकी में क्या बुराई है। हाँ, लेकिन अच्छाई अगर हमारी बात करेंगे तो सबसे बड़ा हमारा जो यूएसपी है वो है कि हिंदुस्तान में आप ये कह सकते हैं कि सबसे मजबूत गाड़ी की जब बात आती है तो वहाँ पर उड़ान सबसे, हमारी गाड़ी में सबसे ज़्यादा मजबूती है। गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो होती है चेसिस। तो हमारे इंडिया में जितने भी ब्रांड्स हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो चेसिस हम मोस्टली, एक्चुअली 90% हम खुद बनाते हैं। चेसिस बॉडी सब कुछ हमारी फैक्ट्री में, इन हाउस टोटल जो है वो हमारा इन हाउस है। बिल्कुल। तो हमने मजबूती पे फोकस किया है गाड़ी के अंदर, कि गाड़ी अगर चलती है, अगर रोड पे वो दौड़ती है तो रोड कई जगह प्लेन है, कहीं पे रोड ख़राब है, तो उसमें जो पूरी गाड़ी की जो क्वालिटी होती है वो होती है उसकी मजबूती। बिल्कुल। तो हमने कभी भी इस क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और अगर प्रोडक्ट आपका बेस्ट है, क्वालिटी अच्छी है, तो उसको फिर ऊपर चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। तो मजबूती गाड़ी की बात करोगे तो होगा। आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक हमारे डीलर, मैं नाम नहीं लूँगा, डीलर थे, वो आए, उन्होंने बहुत मल्टी ब्रांड के साथ काम किया, तो उन्होंने एक हमारे सामने एक चैलेंज रख दिया कि मैंने हर ब्रांड के साथ काम किया है, उनका नेट जो है वो ब्रेक हो जाता है। जो वो बात करते हैं, उन्होंने ये चैलेंज किया कि जो ये गाड़ी का नेक है ये ब्रेक हो जाता है। ये चीज़, अच्छा, ऐसा उन्होंने बोला कि और कंपनियों के जो भी है या उनकी चीज़ ब्रेक हो जाती है, ये यहाँ से, ये हाँ यहाँ से, ये पूरा ये ब्रेक हो जाता है या इधर, ऐसा उन्होंने बोला। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, हमने ऐसे केस के अंदर में हमने एक ही चीज़ बोला कि सर, अगर 2 साल तक, क्योंकि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मजबूती हम लोग बना रहे हैं, जो चीज़ हम मार्केट से लें तो इंसान डाउट में होता है, लेकिन हम लोग खुद उस चीज़ को इनाउंस कर रहे हैं, हम खुद बनाते हैं, तो उसमें हमने यही बोला कि अगर 2 साल में अगर गाड़ी का नेक टूट जाए, चेसिस जो है वो हमारी टूट गई, तो हम पूरा नया रिक्शा आपको फ्री में दे देंगे। तो इस वजह से बोल सके क्योंकि हमारी मजबूती पे हमें भरोसा है। तो दोस्तों, कोई भी रिक्शा का कंपनी अगर इतना चैलेंज करके बोल रही है कि 2 साल, 2 साल कम टाइम नहीं होता, और 2 साल तो ये
चैलेंज दिया है लगभग, अगर बात करें क्योंकि क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत टाइम से ई रिक्शा कंपनी काम कर रही है, तो बहुत टाइम से इनको पता होगा कि, और ये बता रहे आज तक चेसी में टूटने का कभी जो कंप्लेन है वो कहूँगा नहीं आई है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। हाँ, गाड़ी के डिज़ाइन को आप देख ही सकते हो, जैसे कि गाड़ी पूरी क्वालिटी होता है। ये हमारा मॉडल जो है, ये हमारा है प्रीमियम उड़ान जो लिथियम बैटरी के साथ है। लिथियम बैटरी क्योंकि दोस्तों दिल्ली में जो है वो लिथियम बैटरी चल रही है, बाकी बैटरी बंद हो चुकी है, मतलब सिर्फ फिलहाल के लिए तो बंद हो रखी है और रजिस्ट्रेशन बंद हो रखा है तो आप नहीं खरीद सकते। अब लिथियम बैटरी में हम बात करेंगे वहाँ पे, और अगर हम बात करें अगर आपको चार बैटरी में चाहिए, लेड एसिड बैटरी में चाहिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो आपको बिल्कुल लेड एसिड में मिलने वाली है। उड़ान कहीं से आप लेंगे वो लेड एसिड में भी आपके पूरे यहाँ पे खड़ी होगी, क्योंकि पहले से रजिस्टर हो रखी है इसलिए यहाँ पे खड़ी है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। जो एक चीज़ मेरे को दिखी है सबसे मतलब अच्छी और मोटी मैं कहूँगा वो सीट है। सीट इसकी मेरे को क्योंकि मैंने बाकी रिक्शे के बारे में जानकारी ली है, बाकी रिक्शे के बारे में जानता हूँ, और तो सीट मेरे को काफ़ी इसकी मतलब बाकी रिक्शे कंपैरिजन में अच्छी। ये भी आपका इनहाउस बनता है? सर हमारा टोटल सब इनहाउस है, और हम सीट पे एक्चुअली हम डे बाई डे क्या करते हैं, मार्केट कंपटीशन को देखते हुए हम उसके डिज़ाइन पे, सीटिंग कंफर्टेबिलिटी पे, हर चीज़ पे वर्क करते रहे डेली। हमारे जो CEO मिस्टर मिथुल बत्रा जी, ठीक है, तो वो डे बाई डे क्या होता है गाड़ी में अगर कोई भी हर छोटी से छोटी चीज़ कस्टमर्स के या फिर अगर डीलर्स के कोई अगर फीडबैक आते हैं तो हमें तुरंत एक्शन लेते हैं, हम उसको इग्नोर नहीं करते। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया इनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो हर चीज़ पर वर्क करते हैं, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं जो दिख रहा है यहाँ पर जो इसका म्यूज़िक सिस्टम है, ये ऊपर है और साइड से अगर मैं बात करूँ कुछ में यहाँ होता है कुछ में नीचे होता है, यहाँ पर यहाँ दे रखा है। यहाँ पे हालांकि म्यूज़िक सिस्टम एक उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कहूँगा ई रिक्शा का, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए बात करूँ तो ये अगर बिल्कुल ई रिक्शा के सामने आ रहा है तो काफ़ी ऑपरेट करने में काफ़ी अच्छा होता है उसका। हाँ, ये इजीली है, अगर कोई ड्राइवर अगर उसको चला रहा है तो आप उसको एक हाथ को हटा के नॉर्मल उसको बैक साइड से करना पड़ता है, कोई हादसा हो सकता बिल्कुल है। तो इजीली चलाते वो इजीली सामने से ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, हाँ, ये जैसे आप देख सकते हैं सामने आ रहा है, दिया हुआ है डिजिटल मीटर यहाँ पे मिल रहा है। ईवी इनका खुद का ब्रांड है, ईवी और एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसका फुल नाम है। और ये देखिए इसमें इस मीटर की खास बात है वो आप बताइए पहले। सर देखो, डिजिटल है, आप थोड़ा सा ट्रेंडी है, अट्रैक्शन है, सारा कुछ इसमें आपका बैटरी का स्टेटस जो है वो उस हिसाब से दिखाया गया है कि ग्रीन लेवल का, यानी बैटरी फुल है, डाउन में आने के बाद रेड में वो अलर्ट करने लग जाती है। बिल्कुल ठीक है, इसमें टोटल किलोमीटर इजीली यहाँ पे देख। इसमें जैसे कि लिथियम बैटरियाँ है तो लिथियम बैटरी का बैटरी मीटर इसमें दिखता है, क्योंकि जनरली क्या होता है बैटरी परसेंटेज के लिए अलग से यहाँ पे मीटर लगाना पड़ता है, वो हिसाब नहीं। नहीं नहीं सर, वो नहीं है हमारा बैटरी परसेंटेज, अब ये लिथियम इसमें लगा हुआ है, इसमें बैटरी है तो इधर दिखा रहे कि बैटरी फुल है। अगर वो बैटरी डिस्चार्ज होगी तो नीचे इंडिकेट करता रहेगा, रेड पे जाएंगे तो फिर वो उसको चार्ज करना ही पड़ेगा। डिजिटल मीटर है, और ये डिजिटल मीटर सिर्फ आपका लिथियम बैटरी में आता है या लेड एसिड में भी मिलता है? अब हमारे जितने भी रिक्शे आ रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने देखा कि ये ईवी आपने जो नोटिस करा है तो ये मार्केट का नहीं है, हमारा खुद का है, आज हम खुद बना रहे हैं, तो ये हमारा ईवी हमारे खुद के साथ, तो ये लेड एसिड हो चाहे लिथियम हो, अब जितने भी रिक्शे आ रहे हैं सब में हम डिजिटल मीटर, सब में कंफर्टेबल की बात करें तो कंफर्टेबल मिलने वाला है। और अगर बात करें सीटिंग कैपेसिटी की तो देखिए, माना कि अलाउड सिर्फ 5 ही हैं, पीछे 4 आगे 1, लेकिन ई रिक्शा वाले भैया जो हैं वो यहाँ पर एक ज़रूर बिठाते हैं और उसके लिए भी यहाँ पर दे रखा है, बाकी मैं उम्मीद चाहूँगा कि आप ना बिठाएं उस, और लंबी सीट दे रखी है तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप लोकल में चला रहे हैं तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। आगे और पीछे तीनों सीटें हमारी इक्वल साइज़ की पीछे एक बार सीट पे भी देख लेते हैं। तो हाँ, एक चीज़ जो मैंने खास जो मेरे को लगी इसमें सीट, ये देखिए, ये रही सीट और ये रही, यहाँ पे आइए, ये रही सीट और ये देखिए, तो ये चीज़ इससे फ़र्क क्या पड़ता है, क्योंकि अगर मैं रिक्शे में बैठता हूँ तो मेरे को ये पता है कि बैठने पे क्या होता है, अगर आप रिक्शा जब भी ब्रेक मारते हैं तो आप घिसक के आगे आ जाते हैं, वो चीज़ इसमें नहीं होने वाली, क्योंकि उसकी सीट जो है बिल्कुल ऊपर दे रखी है, उस तरह से डिज़ाइन कर रखी है कि वो चीज़ ना हो। मैं सीट के ऊपर एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे कि होता क्या है, जैसे कि जनरली जैसे बताया आपने कि हमारी सीट इतनी चौड़ी है, उसके बावजूद भी जब कोई सीटिंग कोई भी अगर हम कोई कस्टमर सामने या कोई पैसेंजर को बैठा होता है यात्री, तो आपस में आप बैठ के ट्राई कर सकते हैं,
इसमें डिजाइन इसी हिसाब से दिया गया कि आप कंफर्टेबिलिटी तो है ही, लेकिन हमारे घुटने एक दूसरे से नहीं मिले। बिल्कुल, ये देखिए घुटने बिल्कुल नहीं टकरा रहे, और ये सीट ऊपर होने की वजह से, जो ऊपर है इसकी वजह से हमारे पैर थोड़े से ऊपर आ गए, जिसकी वजह से हम थोड़ा कंफर्ट फील कर रहे हैं। सेकंडली, कईयों में कैसा होता है कि ये जो डिजाइन है थोड़ा आगे होता है, तो जब उतरना होता है तो या तो हमारे पैर भीड़ रहे होते हैं या हमें आगे की तरफ ज्यादा पोज करके उतरना पड़ता है। और ऐसा आपको जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ये भी प्लस जो ये चीज़ है ये भी काफ़ी आगे रखा होता है टायर के वजह से, जिसकी वजह से यहाँ भी उतरने में दिक्कत होता है। बिल्कुल, यानी 6 फीट के हाइट के अगर बंदा कोई पैसेंजर बैठा हुआ है तो वो इजीली बैठेगा और इजीली आराम से वो उतर सकता है सामने किसी को सामने बैठे डिस्टर्ब किए बिना। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ और इसमें मिल भी रही है मेरे को, वो है ये हैंडल्स। ये हैंडल्स आपको हर रिक्शे में नहीं मिलेंगे, और ये हमेशा कहता हूँ हर रिक्शे में होना चाहिए, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है यहाँ जो अलग से आपको लगता है वो लगेंगे ज़रूर, लेकिन वो एक बार टूट गया तो टूट गया, फिर रिक्शा वाले भाई नया नहीं लगाते हैं, बिल्कुल क्लियर है। प्लस यहाँ पे आप देखिए लाइट वाइट सब आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर आप रात में रिक्शा चला रहे हैं। और ये इनका SS मॉडल है, ये देखिए SS मॉडल यहाँ पे दे रखा है। प्रीमियम SS में आता है, ठीक है। ये प्रीमियम मॉडल कौन कौन से मॉडल आते हैं आपके? हमारा युवा आता है, युवा और डिलक्स। डिलक्स जो है हमारा वो स्टील में के अंदर में एसएस में आता है। युवा के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडल्स जो ये देखिए यहाँ पे इसमें MS और SS दोनों वेरिएंट आते हैं, ठीक है। इसमें MS SS दोनों आते हैं, ये लैड एसिड में आते हैं। और वो हमारा जो आप प्रीमियम, अगर मैं फ़र्क अगर जानना चाहूँ तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है युवा में और आपका प्रीमियम? युवा हमारा बेस मॉडल है, बेसिक मॉडल है जो लैड एसिड के अंदर आता है 4 बैटरी के साथ में, तो बट वो लिथियम है, लिथियम सिंगल बैटरी के साथ आ रहा है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, 3 ईयर्स का पूरा वारंटी होता है। अच्छा, ड्राई बैटरी होती है। कंट्रोलर कन्वर्टर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर कंट्रोलर कन्वर्टर जो स्पेस दे रखी है, कंट्रोलर है, और यहाँ पे आपका MCB दे रखी है, और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सेटल दे रखी है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट इस साइड है देखिए, और हर चीज़ में एक तरह से बिल्कुल होता है ना, कोई पैनल खुलता है तो कुछ भारी भारी सा लगता है, वो चीज़ यहाँ पर लग रही है मेरे को, और काफ़ी अच्छी है लगी। और इसी के साथ आपको बैटरी जो है लिथियम बैटरी बिल्कुल यहाँ पर मिल जा रही है, जो कि यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। और पीछे जो सीट है यहाँ पर आप ये देखिए, पीछे वाली सीट यहाँ से ये देखिए पूरा खुल गया, ये तो आपको आगे से लेकर पूछो तो यहाँ पूरा मिल जाता है यहाँ पर। और ये लिथियम बैटरी में जैसे हमने बताया, लिथियम बैटरी में आता है टोरंटो कंपनी की लिथियम बैटरी है। हाँ, ये ट्रॉनटेक में आती है, 105 AH की। तो ये कितनी देर में चार्ज हो जाती है इसका? अगर चार्जिंग टाइम वैसे अगर देखा है 3 to 4 hours में ये पूरी बैटरी फुल हो जाती है 100% और 100+ का माइलेज है इसके अंदर में। ओके, एक चार्ज मतलब 100% 100 से ऊपर। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, ये जो कंट्रोलर आपको दिख रहा है ये इनका खुद का है बिल्कुल, और ये खुद ही ये करते हैं सब। और ये देखिए ये पूरा ई रिक्शा है आपका, आपका MS ये SS में मिल जा रहा है। जाली देखिए, जाली यहाँ पर मिल रही है। और अब देखिए लिथियम बैटरी होने, लिथियम बैटरी ज़रूर है, लिथियम बैटरी के बाद ये पूरा लिथियम बैटरी कंट्रोलर कन्वर्टर यहाँ पर चला गया। अब ये जो स्पेस है ये आपको देखिए कितनी बड़ी स्पेस मिल रही है यहाँ पर, आप काफ़ी अच्छी चीज़ें ये आपको सब मिल रहे हैं यहाँ पर। एक्सेसरीज हैं आपको, जैक है, मैं फुट मीटर सब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और यहाँ काफ़ी अच्छी स्पेस, बड़ी स्पेस आपको यहाँ पे दिख जा रही है। चार्जिंग की बात करेंगे अगर लेड एसिड के अंदर में कम से कम 8 से 10 घंटा पूरा लगता है, चार्ज करना पड़ता है, इसमें आपकी 3 to 4 hours के अंदर बैटरी फुल हो जाती है, 4 से 4.5 घंटे बैटरी फुल, यानी 4 घंटे की अगर चार्जिंग करके उसके बाद डे नाइट अगर कहीं अगर चला रहे हैं चलाना पड़े तो चला सकता है, आराम से चला सकता है। चलिए ये दोस्तों, ये आपको यहाँ पे आर्मी ग्रीन कलर का, आर्मी ग्रीन कहते हैं इसे, ये मिलिट्री ग्रीन कहते हैं इसे, तो मिलिट्री ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको पूरा ई रिक्शा मिल रहा है। वारंटी की बात करें तो चेसिस पे 1 साल वारंटी मिल रही है, बैटरी पे 3 साल की हमने बता दी, और अगर लेड एसिड बैटरी होता, लेड एसिड जो होती है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज, अगर किसी में वो 1 ईयर्स का भी है उसमें 15 मंथ्स ओके, तो वो कंपनी का है 18 मंथ्स, तो प्राइस चेंज होता रहेगा ना? हाँ, वो प्राइस जो है वो वेरी करेगा वारंटी के ऊपर। बाकी कंट्रोलर कन्वर्टर मोटर आपको 6 महीने की वारंटी मिल रही है, और सबसे अच्छी जैसे ये दावा कर रहे हैं, हालांकि जाहिर सी बात है कि क्या इसकी ग्राउंड रिपोर्ट है, जो कि मेरे को हमने बात की और काफ़ी अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट भी इनकी ठीक बढ़िया आई है, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें आप देख सकते हैं। सर्विसिंग इसकी इनकी बहुत अच्छी है, सर्विसिंग के लिए ये चैलेंज करते हैं लोगों को कि सर्विसिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आफ्टर सेल सर्विस जिसे कहते हैं, कि अगर आपने ये रिक्शा खरीद लिया है
तो ये आपसे कॉन्टैक्ट में ई रिक्शा खरीदने से पहले और रिक्शा खरीदने के बाद दोनों टाइम रहेंगे, आपको कभी छोड़ने नहीं वाले मुसीबत में। एग्जैक्टली एक्चुअली होता क्या है, हमारे लिए एक रिक्शा खरीदने वाला और 100 रिक्शा बेचने वाला डील है, हमारे लिए हर इम्पोर्टेंट है। मार्केट के अंदर आप पॉजिटिविटी कितनी बनाते रहे, लेकिन एक नेगेटिव हो गया वो 10 लोगों को नेगेटिव, 10 लोगों को नेगेटिव। तो हम इस वजह से क्या करते हैं, हम क्वालिटी के साथ जैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसी तरह से हम सर्विसेज के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मार्केट में प्रोडक्ट कितना भी अच्छा कर दे, अगर सर्विस उसकी पुअर है, कस्टमर उससे परेशान हो रहा है, क्योंकि जो एक इसका जो कस्टमर होता है वो डेली बेस का कमाने वाला इंसान होता है। आज वो चलाएगा तब जाके शाम को उसकी रोटी रोटी मिलेगी, बिल्कुल। अगर एक दिन भी उसका रिक्शा अगर रुक जाता है बिना सर्विस के, तो आप समझ सकते हैं कि वो शाम को वो खाना नहीं बना पाएगा, बिल्कुल। यही सारी चीज़ इमोशंस भी जुड़े हैं, तो ये सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोग क्वालिटी के साथ तो हैं बट सर्विस से भी हम 1% कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी सर्विस टीम मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल रहती है जो हर समस्या का समाधान करती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये है उड़ान ई रिक्शा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करिए, कोई इंक्वायरी है तो करिए, आप कोई रिक्शा खरीदना है तो करिए, हर चीज़ के बारे में आप यहाँ पे कर सकते हैं। सर्विस सेंटर का आपको नहीं पता, आपने रिक्शा ले लिया किसी सब डीलर से, आपको नहीं पता, तो उसको उसके लिए भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बट पीछे से भी हम देख लेते हैं ई रिक्शा जो मैं अभी तक नहीं देखा है, ये देखिए यहाँ पर पीछे से ये ई रिक्शा है, यहाँ पर आपको मिलिट्री किलोमीटर में ई रिक्शा मिल रहा है, उड़ान की ब्रांडिंग है और यहाँ पर मडगढ़ आपको दे रखा है। तो ये आपका ई रिक्शा है, आप वीडियो के नीचे नंबर है, आइए कॉल करिए, भैया से बात करिए, ई रिक्शा लेके जाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, उड़ान का ई रिक्शा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुशी।